हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पर्सनल ट्रेनिंग का अगला क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। इस वीडियो में हम सदिश बीजगणित पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिणाम क्रमशः √3 और 2 हैं और ए डॉट बी बराबर √6 है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमें दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो पहले इसमें जो दिया गया वो हम लिख लेंगे। तो कह रहा था वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिणाम क्रमशः, तो यहाँ पर वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर √3 और मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 2 दिया गया है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और हमको जो दिया गया है यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6 दिया गया है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं। अब ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर, अब इसे मान रख देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा √6 अपॉन √3 × 2 cos थीटा इज इक्वल टू √6 को हम यहाँ पर 3 × 2 लिख लेंगे और यहाँ पर √3 × 2 बन जाएगा, तो cos थीटा बराबर √3 × √2 होल अपॉन √3 × 2 ये कट जाएगा। अब यहाँ पर cos थीटा बराबर √2 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, ये भी काट देंगे तो cos थीटा बराबर 1 अपॉन √2, तो cos थीटा बराबर cos π/4, हमको थीटा का जो मान मिल जाएगा वो π/4 होगा, अर्थात 45 अंश जो है इन दोनों सदिशों के बीच का कोण होगा।